मागावा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निरंजन पोद्दार ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अपने समर्थकों के साथ करीब 2:30 बजे वो निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय मागावा पहुंचे और नामांकन पर्चा दाखिल किया। अनुमंडल कार्यालय परिसर के बाहर घंटों उनके समर्थक उनके इंतजार में खड़े थे। नामांकन कर बाहर निकलते ही उनके स्वागत को लोग उमड़ पड़े। एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ ये जनसमूह देखने योग्य था। आपको बता दें कि निरंजन पोद्दार एक स्पेशियस सिल्क व्यापारी है और बुनकरों के लिए अपने क्षेत्र में एक मसीहा के तरह उभरे हैं और समाज के लिए एक साफ और शालीन छवि वाले जनप्रतिनिधि भी हैं। अपने क्षेत्र से जिला परिषद है और भाजपा पार्टी में पूर्व में सक्रिय रहे। हाल ही में उन्होंने झामुमो पार्टी भी ज्वाइन किया था। टिकट नहीं मिल पाने की स्थिति में आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इस तरह के प्रत्याशी के मैदान में आ जाने से दो बड़े राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित सिंह, एक्सप्रेस न्यूज के लिए। द्वारा जो काम नहीं हो पा रहा था वो हम लोग प्रयास करेंगे पूरा हो। आपके सामने अभी दो राष्ट्रीय पार्टी जो है आपके सामने है, आपके टक्कर में है, भाजपा एक तरफ कांग्रेस है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जो आपने सफर शुरू किया है ये कहां तक जाएगा और इसका क्या मुकाम होगा? वो जो राष्ट्रीय पार्टी है वो उनको सहारा लाठी का सहारा है और हम स्वतंत्र चुनाव लड़ करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ करके भी जीता जा सकता है। नाम संबंधी का लाइन है, नाम संबंधी का मतलब आपके पास।